देश का नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया देश की सबसे बड़ी चौपाल जारी है। कहा जा सकता है कि अब वक्त है एक ऐसी बहस का जो दिल्ली की सर्दी को भी गर्मा देगी। इस सेशन को पेश करने के लिए आपके सामने आ रहे हैं हमारे सहयोगी अमीश देवगन। थैंक यू, धन्यवाद। और व्यूअर्स, जोरदार तालियां करिए अगले सेशन के लिए, क्योंकि अगला सेशन बहुत जोरदार है और प्रभावी है। और इस सेशन की शायद इस समय देश में हर व्यक्ति इस सेशन को देखना सुनना चाहता है। मेरे साथ मौजूद हैं इस समय इस सेशन के लिए दिल्ली सरकार की शिक्षा मंत्री आतिशी जी, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करिए। और संसद से सीधा आ रहे हैं अपना भाषण समाप्त करके डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, उनका भी अभिनंदन है। आतिशी जी, सुधांशु जी, आप दोनों का इस मंच पर अभिनंदन है। सवालों की फेरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन शिकायतों की फेरिस्त भी बहुत लंबी है। सुधांशु जी, विपक्ष की, वो कहते हैं कि किसी को आप छोड़ते ही नहीं, ऐसा क्या करते हैं बताइए जरा, किसी को छोड़ते क्यों नहीं? देखिए, आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये 2013 में बने थे जी। बाकी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं पिछले 30-35 सालों में कोई एक लोकसभा बता दीजिए जिसमें इनके किसी न किसी नेता ने भ्रष्टाचार के किसी न किसी आरोप में कोर्ट कचहरी और जांच एजेंसी को चक्कर न काटा हो। अब आज ही देखिए जी, आजकल जैसे दो का बड़ा चर्चा में है ना, झारखंड और बिहार, तो एक छोटी सी बात कहता हूं, आज आरोप हमारे ऊपर है। नहीं नहीं, मैं उदाहरण देना चाहता हूं कैसा आरोप है। आज हम लोगों पे आरोप है कि हम लोग उनको फंसा रहे हैं, जेएमएम वालों को, यही कहा जा रहा है ना। पुरानी फिल्मों में कई बार एक डायलॉग होता था, 20 बरस पहले की बात है, तो मैं कहना चाहूंगा 30 बरस पहले की बात है। 1994 झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड, ये कोर्ट से प्रूव हुआ था कि 3 सांसदों ने पैसा लेकर कांग्रेस की सरकार को बचाया। तो कहीं बीजेपी थी क्या? मोदी जी, अमित शाह जी का नाम था क्या? लालू प्रसाद यादव जी 1997 में जेल चले गए। अब बताइए, हम लोग युवावस्था से पूरी पार कर गए लालू जी को जेल से अंदर बाहर देखते हुए, और कहते हैं साहब बीजेपी कर रही 2014 के बाद। अब इनके साथ एक अलग स्थिति है, एक वो पार्टी है जो भारत की राजनीति की सबसे पुरानी पार्टी है जी, जी पुरानी धुरानी पार्टी है। एक निवेदन है, माइक को थोड़ा ऊपर से पकड़ लीजिए। जी जी, ये नई पार्टी है, ये अजब अलबेली पार्टी है, ये एक्सपेरिमेंटल पॉलिटिक्स करते हुए डेट्रिमेंटल मोड में जाके फंस गए। ये आए और इन्होंने कहा कि हम आएंगे और दुनिया बदल देंगे, ये कर देंगे। अब दो में से एक बात थी, या तो मैं ये कहूं कि इमेच्योर थे या बहुत सयाने थे। अगर सयाने थे तो फंस गए, और इमेच्योर थे तो बेचारगी की स्थिति है। तो इनकी स्थिति यह है। और इसमें मैं एक और बात कहूंगा, इन्होंने जिस रफ्तार से बदलाव किया है तो भारत की राजनीति में अद्भुत है, क्योंकि जिस पार्टी के विरुद्ध इन्होंने शपथ ली थी जी कि हम साहब कभी भी इसका समर्थन नहीं लेंगे, उसी को बेईमान कह के और प्रचार करके, वो याद करिए शीला दीक्षित जी का नाम लगा के ऑटो के पीछे लगा रहता था वगैरह वगैरह। और साहब हमें 1951 में बने 72-73 साल हो गए, हमने आज तक कांग्रेस से समर्थन नहीं लिया, इन्होंने 73 दिन में समर्थन लिया सरकार बनाने के लिए। और आज भी चंडीगढ़ को लेके अभी हमारे ऊपर झगड़ेंगे। अरे भाई, इस सवाल में मैं आऊंगा, चंडीगढ़ के पे आप ऐसे बच के मत निकलिए, लेकिन क्योंकि चंडीगढ़ पे बहुत सारी बातें हैं, शिकायतें इनकी भी हैं और शिकायतें आपकी भी हैं। लेकिन आतिशी जी, सवाल ये है कि साफ सुथरी राजनीति की बात करके आम आदमी पार्टी आई, और देश की खासतौर पर दिल्ली की जनता ने और पंजाब की जनता ने भरपूर प्यार भी दिया, लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि आपको कांग्रेस के गठबंधन में जाके शामिल होना पड़ रहा है, लालू यादव के साथ खड़ा होना पड़ रहा है? क्या आपको नहीं लगता ये आपके वोटर को सहन नहीं होगा? देखिए अमीश जी, आपका सवाल का जवाब देने से पहले मुझे सुधांशु जी की कई बातों पर रिस्पॉन्ड तो करना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। देखिए सुधांशु जी, बात करते हैं कि जी जेएमएम ने ऐसा किया, कांग्रेस ने ऐसा किया, पर थोड़ा सा सुधांशु जी की पार्टी का भी रिकॉर्ड देख लेते हैं। ये कहते हैं कि जी हम तो किसी के खिलाफ कुछ नहीं करते,
पर ऐसा कैसे होता है कि इनकी ईडी, इनकी सीबीआई किसके खिलाफ रेड करती है? कभी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ करती है, कभी हेमंत सोरेन के खिलाफ करती है, कभी स्टालिन के खिलाफ करती है, कभी ममता बनर्जी के खिलाफ करती है। क्या इस देश का सारा भ्रष्टाचार विपक्षी दलों ने किया है? इनकी पार्टी के लोग दूध के धुले हैं। और ना सिर्फ इतना, वो विपक्षी दल के नेता जैसे ही इनकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, वो भी दूध के धुले हो जाते हैं। इसके कुछ उदाहरण दूंगी। हेमंत बिस्व शर्मा जी, उनके भ्रष्टाचार पे सुधांशु जी की पार्टी ने एक पूरा बुकलेट निकाला था। ईडी का केस हुआ, सीबीआई का केस हुआ, हेमंत बिस्व शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, उनकी वॉशिंग मशीन में धुल गए, सारे ईडी और सीबीआई के केस खत्म हो गए। शुभेंदु अधिकारी जी के भ्रष्टाचार, नारदा स्कैम, छारदा स्कैम, चिटफंड स्कैम, कई चुनाव लड़ डाले इन्होंने पश्चिम बंगाल में। लेकिन जैसे ही शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, उनकी वॉशिंग मशीन में धुल के पाक साफ हो गए। छगन भुजबल, महाराष्ट्र सदन स्कैम, इरिगेशन स्कैम, कोऑपरेटिव स्कैम, उनके खिलाफ ईडी सीबीआई के इतने सारे केसेस। छगन भुजबल जी लेटेस्ट एग्जाम्पल हमारा, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, आपको पता है ईडी ने महाराष्ट्र हाईकोर्ट में क्या कहा? उन्होंने कहा हमें छगन भुजबल जी की फाइल नहीं मिल रही है, तो इसलिए हम केस बंद कर रहे हैं जी। तो देखिए, ये बिल्कुल साफ है कि आज केस होना, आज ईडी के छापे पड़ना, सीबीआई से गिरफ्तारी होना, ये किसी भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ नहीं है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं है, ये सब भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लाने की कोशिश है कि उन पे केस करो और सारे भ्रष्टाचारी हमारी पार्टी में आ जाएं। ये सुधांशु जी की पार्टी मेरे कर रही सवाल है। का जवाब रह गया, मैं आगे लेने का प्रयास करूंगा आपसे आतिशी जी। लेकिन सुधांशु जी, अब अरविंद जी ने तो बोला कि 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर देने का आरोप है, उनकी सरकार गिराने का आरोप है, ये सब आरोप है, लेकिन आप भी तुरंत कार्रवाई करते हैं, मतलब पुलिस का नोटिस खचाक भेज दिया। देखिए, ये वो पार्टी कह रही है जिसका स्टैंड क्या था, आरोप लगते ही इस्तीफा दे दो, जांच बाद में होनी चाहिए। आज कहते हैं जेल में जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं होना चाहिए। सोचिए कितना बड़ा बदलाव आ जाता है। और एक और, मैं इसका मतलब दो में से एक बात माननी पड़ेगी, या तो वो सयानापन था या वो बचकानापन था। अब ये मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं कि उस समय जो कुछ कर रही थी, कह रही थी आम आदमी पार्टी, वो क्या कह रही थी। दूसरा, आपकी बात में संशोधन कर दूं, हमने किसी नेता के खिलाफ कोई केस विड्रॉ नहीं किया है। हमारा स्टैंड चेंज नहीं हुआ। हमने कहा जी आरोप था, आरोप है, चल रहा। हेमंत बिस्व शर्मा जी हमारी पार्टी में ज्वाइन करने के बाद भी कलकत्ता में सीबीआई के सामने एक बार अपियर हो चुके हैं, मगर स्टैंड इनका चेंज है। सुनिए, शारदा के बारे में ऑफिशियल स्टैंड है इनकी गवर्नमेंट का कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। अचानक कहते नहीं हुआ था, हमारी सरकार भ्रष्ट थी, हमने बड़ा भयानक भ्रष्टाचार किया था और ये किया था। यही है अजीत पवार के बारे में, इनकी सरकार यानी अब इनका मतलब इंडी गठबंधन की सरकार का ऑफिशियल स्टैंड है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। आप कहते हुआ था, अपने नेताओं को भ्रष्ट का सर्टिफिकेट आकर देना, फिर अपने नेताओं को बिकाऊ होने का सर्टिफिकेट देना, मुझे लगता है जो काम आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जैसे दल कर रहे हैं, इसका आपको उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा। इनके बाद तो 90% की मेजोरिटी है भाई, इनके 62 विधायक हैं, 62-63 विधायक हैं, 90% मेजोरिटी, और 2/3 टूटे तब कुछ हो सकता है। और फिर ये कहते हैं कि साहब हमारी पार्टी तोड़ी जा सकती है। मैं बताना चाहता हूं, हम सबसे लंबे समय अपोजिशन में रहे, कभी बीजेपी का वर्टिकल डिवीजन हुआ? अरे क्या बात कर रहे हैं, हमने तो वो चीजें झेली हैं जो इमरजेंसी के फर्जी केसेस, जॉर्ज फर्नांडिस जी को हथकड़ी लगा के सड़क पे चलाया गया एक अपराधी की तरह, बड़ौदा डायनामाइट केस में जो कि आज के जमाने में टेररिज्म का इक्विवेलेंट था, और जेल से 3,74,000 से जीते। मान्यवर, मैं कह रहा हूं जनता की अदालत हो या न्यायालय की अदालत हो, हमने दोनों जगह लड़ाई जीती है और ये दोनों जगह पीछे हैं। मैं एक और बात कहूं, वैसे एक और, एक केजरीवाल जी का ट्वीट है 2012 में शरद पवार जी के बारे में, लेकिन ऐसा एक आज पर आ जाते हैं। ये 25 करोड़ के ऑफर का क्या मामला है, ये जो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, इस पर आपकी सफाई क्या है? देखिए, आम आदमी पार्टी के आरोपों पर सफाई देने की जरूरत है क्या? अगर एक ही पार्टी है जो रजिस्टर्ड रूप से कोर्ट में माफी मांग चुकी है कई नेताओं के खिलाफ, कपिल सिब्बल जी के खिलाफ, मनीष तिवारी जी के खिलाफ, स्वर्गीय अरुण जेटली जी के खिलाफ, नितिन गडकरी जी के खिलाफ, केजरीवाल जी ने हाथ ऊपर कर करके आरोप लगाया, जब कोर्ट में मानहानि का मुकदमा हुआ उन्होंने कहा जी हम विड्रॉ कर। जी जी जी। अब जिनके आरोप का आधार कोर्ट में निराधार सिद्ध हो चुका हो,
उनके आरोप को कितनी गंभीरता। आतिशी जी, एक आरोप आप पर बार बार लगता है कि आप हिट एंड रन करते हैं, जैसे कि आरोप लगाते हैं और फिर भाग जाते हैं। अभी आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि अगर कुछ है तो रिकॉर्डिंग आम आदमी पार्टी सामने रखे, पटल पर रखे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तो रिकॉर्डिंग रखनी चाहिए आप लोगों को। नहीं, बिल्कुल रखेंगे, समय आने पे जरूर रखेंगे। इन्हीं के पार्टी के उपाध्यक्ष शेर सिंह डागर जी एक हैं, एक समय पे काफी फेमस हुए थे, लोग उनको भूल गए होंगे शायद अब। जब 2013 में आम आदमी पार्टी पहला चुनाव लड़ी थी और हमें 28 सीटें आई थी और इनको 32 सीटें आई थी और किसी की मेजोरिटी नहीं थी, अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे के बाद भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे ही पुरजोर कोशिश करी थी आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने की। तब थोड़ा महंगाई का जमाना इतना नहीं था, तो शेर सिंह डागर जी ने मात्र 25 लाख रुपए का ऑफर दिया था हमारे विधायक दिनेश मोहनिया जी को, और उसका स्टिंग पब्लिक भी हुआ था सुधांशु जी। दूसरी बात, अमीश जी, देखिए सब जानते हैं देश में एक ही पार्टी है जो और पार्टियों को तोड़ तोड़ कर सरकार बनाती है। गोवा में कांग्रेस के विधायक किसने तोड़े और अपनी सरकार बनाई? कर्नाटका में कांग्रेस और जेडीयू के विधायक किसने तोड़े और सरकार बनाई? महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायक किसने तोड़े और सरकार बनाई? ये पूरा देश जानता है। इनफैक्ट अगर आप मुझे मौका दें, वो अनफॉर्चुनेटली दूसरे चैनल की क्लिपिंग है जी। उस जब कर्नाटका का चुनाव हुआ था 2019 में, तो राम माधव जी, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये राम माधव जी के शब्द हैं, उनको एक टीवी चैनल के एंकर ने पूछा कि देखिए आपके तो नंबर पूरे नहीं हुए हैं तो आप सरकार कैसे बनाएंगे, तो उन्होंने कहा हमारे पास अमित शाह हैं। ये राम माधव जी के शब्द थे। तो इनके पार्टी के नेता खुद प्राइम टाइम टेलीविजन पर मानते हैं कि संख्या बल ना होते हुए भी ये सरकार बनाते हैं। सुधांशु, देखिए कुछ चीजें हैं तथ्यात्मक दृष्टि सही होनी चाहिए। गोवा का ये उदाहरण देते हैं, मैं इसमें चंडीगढ़ जोड़ लेता हूं कि नंबर इनके ज्यादा थे, मेयर आपका बन गया, उस पर भी ये कला लाते कहां से हैं, आते कहां से? उस पे अभी बता रहा हूं, दोनों बातों का जवाब देता हूं। देखिए सच और झूठ का अंतर क्या होता है जी, गोवा में जो कहते हैं हमने तोड़ लिया, ये बताइए झूठ का अंतर होता है 8 विधायक। हाँ नहीं, मैं बताना चाहता हूँ, अरे अभी बता रहे हैं मान्यवर आपको। देखिए गोवा में कभी विपक्ष ने दावा ही नहीं किया, अरे भाई आप राज्यपाल के पास जाएंगे कहेंगे हम सरकार बनाना चाहते हैं और आपको ना बुलाए तो है, मतलब ये तो वो हो गया कि एग्जामिनेशन हॉल में मैं गया ही नहीं, मैंने आंसर शीट ही सबमिट नहीं किया, मैं कह रहा हूं जी मुझे तो पूरा आता है, मुझे पास कर देना चाहिए, ऐसा कहीं होता है क्या? मैं पूछना चाहता हूं कारण क्या था। पास हो जाते हैं टर्न पे, आपने अपने टर्न पे, वहां चक्कर क्या था कि कांग्रेस में मची हुई थी अंदर खींचातानी कि 4 विधायक किसके, 3 विधायक किसके, कौन सीएम बनेगा, समय ही निकलता चला गया। अरे उनके जो ऑब्जर्वर गए थे, खबर तो हमें पता अंदर, अरे उनके जो ऑब्जर्वर गए थे वो सोते रह गए थे, अरे अब तो सुनिए, नितिन गडकरी पूरी रात जाग रहे थे, मैं वही तो कह रहा हूं ये। और जो देखिए कहावत है ना, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। सही बात, सही बात है। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, चंडीगढ़ की बात के ऊपर मुझे एक बात बड़ा जबरदस्त लगता है। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक मेयर के लिए उफ किस शिद्दत के साथ एक दूसरे के साथ आए हैं। ये वही पार्टियां जो एक दूसरे को बर्बाद करने की कस्में खाए हुए थे। और अभी भी मजेदार स्थिति क्या है सुनिए, पुराना छोड़ दीजिए, आज छत्तीसगढ़ में जाकर कहा है केजरीवाल जी ने कि भूपेश बघेल से ज्यादा करप्ट कोई सीएम नहीं, वाह। दिल्ली में कांग्रेस ने कहा है कि शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी को जेल होनी चाहिए, ठीक। पंजाब में वो कह रहे हैं कांग्रेस भ्रष्टाचार करी, और बीच में चंडीगढ़ में मिल रहे हैं एक दूसरे से हाथ मिला के। मेरी बात पहले ये तो जवाब दो भाई, ये मिले कैसे हो और किस लिए मिले हो, इसका जवाब पहले नैतिक जवाब दे दीजिए, फिर राजनीतिक जवाब मैं देता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नेता आपस में मिल लिए, नीचे पार्षद मिले नहीं चंडीगढ़ के अंदर, क्योंकि भगवंत मान जी ने तो खुद ही कहा था कि एक टेक्निकल बात और कह दूं, अगर परमिशन। देखिए जब कभी ऐसी स्थिति होती है तो टेक्निकल सिचुएशन ही है, हम लोग साथ कई बार ऐसा हुआ, मैं डेट के साथ बोल रहा हूँ, 22 अक्टूबर 1997 यूपी में हमारे पास मेजोरिटी थी, हमारी असेंबली वो कर दी गई, हम दिल्ली आए राष्ट्रपति भवन के बाहर, हमने पूरी परेड करा दी और सारे पेपर्स दिखा दिए, हमने कहा जी हमारा एकदम क्लियर है, और लास्ट में हमारे फेवर में डिसीजन हुआ। 22 फरवरी 1998 हम सीधे कोर्ट गए, कोर्ट ने कहा तुरंत शक्ति परीक्षण कराइए, जीत गए। अब इनके सामने समस्या क्या है, वही जो गोवा में प्रॉब्लम थी कांग्रेस में, ये इनके लोगों को आपस में एक दूसरे पे विश्वास नहीं है, क्योंकि इनका तो संस्थापक विश्वास भी अब इनसे दूर हो चुका है जी। आतिशी जी, क्या आपको लगता है कि
आप लोगों के नेता मिले लेकिन नीचे पार्षदों के दिल्ली मिले, इस वजह से ये हार हो गई। और दूसरा, करप्शन के ऊपर आम आदमी पार्टी को बैकफुट पे आना पड़ रहा है क्योंकि 5 से ज़्यादा नोटिसेज ईडी के अरविंद केजरीवाल को आ चुके हैं और वो अभी तक पेश नहीं हुए हैं, कब पेश होंगे ये तो देश भी जानना चाहेगा। तीन अलग अलग मुद्दे हैं, तीनों पे जवाब दूंगी। सबसे पहले तो जी सुधांशु जी ने, आपने जो मुझसे सवाल पूछा कि आम आदमी पार्टी के विधायक कौन तोड़ रहा है, उसका जवाब सुधांशु जी ने दे दिया कि जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। तो कौन विधायक खो रहा है, कौन विधायक पा रहा है, इसका जवाब तो इन्होंने खुलेआम दे दिया। पर आप लोग सो तो नहीं रहे हो। इन्होंने डिनाय तो नहीं किया कि ये विधायक तोड़ते हैं और हर राज्य में तोड़ते हैं। तो गोवा में इन्होंने ये भी नहीं कहा गलत है, ये कहा वो तो पहुंचे ही नहीं, इसलिए हमने सोचा कि उन्होंने तो कहा कि जी मैंने एग्जाम ही नहीं दिया, तो बीजेपी ने कहा कि चलो हम चीटिंग करके पास हो जाते हैं। ये देखिए देखिए, सुधांशु जी बड़े सम्मानित प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन ये तक नहीं कह रहे हैं कि विधायकों को तोड़ना गलत है। आज यहाँ पे आके खड़ा कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की राजनीति को, और मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा दुख की बात है। नंबर दो, चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन। वैसे उससे पहले अगर आप एक साल पहले देखिए तो दिल्ली मेयर इलेक्शन में भी कुछ कुछ ऐसा ही हुआ था, आपको याद होगा। मेयर आपका है दिल्ली में। हाँ, लेकिन मेयर के इलेक्शन को करवाने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था क्योंकि वहां पर भी चीटिंग कर रही थी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी कानून के खिलाफ जाकर अपने एलजी साहब से 10 नॉमिनेटेड काउंसलरों को लेके आती है, जो उन्हें चुनी हुई, जो काम चुनी हुई सरकार को करना है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, सारे कानून के खिलाफ जाके एमसीडी एक्ट ये कहता है कि जो नॉमिनेटेड काउंसलर होंगे वो मेयर के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते हैं, लेकिन इनका प्रोटेम मेयर वहां पे खड़े होके कह देती है नहीं नहीं ये नॉमिनेटेड काउंसलर भी वोट डालेंगे। तो इनको कानून तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, दिल्ली के मेयर के चुनाव में भी तोड़ा, अब चंडीगढ़ में बेचारों के साथ क्या हो गया। जी जी जी, शायद इनके किसी नेता को जिम्मेदारी दी गई थी ऐसा हमने सुना है। अब देखिए, मैं निश्चित तौर पे नहीं कह सकती, ऐसा उड़ती उड़ती बात आई है हमारे पास। आप उड़ती उड़ती बात करें, ट्विटर पे आपने एक प्रमाणिक बात लिखी है, आपने बोला मैं बहुत बड़ा खुलासा करूंगी। वो मैं करूंगी कल सुबह 10 बजे। कल सुबह 10 बजे ईडी पर एक बहुत बड़ा खुलासा मैं करूंगी कल सुबह 10 बजे। लेकिन ऐसा सुना हमने, किसी ने बताया कि इनकी किसी एक नेता को जिम्मेदारी मिली थी कि जब सारे वोट मिल जाए प्रिजाइडिंग ऑफिसर को तो लाइव जो स्ट्रीमिंग चल रही है ना उसको ऑफ कर देना। वो शायद ऑफ करना भूल गए, तो पूरे देश ने देख लिया कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर खुद वोटों पे कुछ कुछ लिख रहे हैं और उनको गलत करार करने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट वहां पर हमारे एक पार्षद ने कहा भी था, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कहा था कि आप नीला पेन मत इस्तेमाल करो क्योंकि नीले पेन से हम लोगों ने लिखा हुआ है, अगर आपको कुछ लिखना है आप हरे पेन या लाल पेन से लिखिए। उन्होंने नहीं किया क्योंकि उन्हें वोट्स को डिस्क्वालीफाई करना था और झूठे तरीके से इनकी सरकार। बीजेपी ने नीला पेन यूज करके आपको मतलब आपकी गठबंधन को नीला पीला कर दिया गुस्से में। आप देखिए, अब हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट मैटर लिस्टेड है। एक तो बात देखिए, बिल्कुल टेक्निकल बात, इनको अंदर की बातें बड़ी पता रहती हैं, अपनी पार्टी के तो अंदर का पता नहीं रहता और बाहर का अंदर का सब पता रहता है। दूसरा मैं इनसे पूछना चाहता हूँ भाई, ये बताइए ये स्विच ऑफ करना नेता काम होता है टेक्निकल स्टाफ का? कुछ भी कहानी गढ़ देते हैं। याद करिए जब मनीष सिसोदिया जी के यहाँ रेड हुई थी तो उन्होंने कहा, सारे इनके प्रवक्ता आके कहते थे कि लॉकर में क्या मिला उनको, सिर्फ एक बच्चे का झुंझुना मिला। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई बैंक के लॉकर में बच्चे का झुंझुना रखता है क्या? जी, इसलिए। और फिर कहते थे सीबीआई के मेरे अंदरूनी सूत्रों ने ये बताया है, ये सूत्रों ने बताया वगैरह वगैरह। मुझे लगता है कि वो एक बाल सुलभ उच्छृंखलता है उनके अंदर, उन्हें लगता है कि मैं नए तरीके से इस ढंग से बातें करके कर लूंगा, मगर मुझे लगता है जनता काफी परिपक्व है और धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा। इन्होंने एक और बात कही, ये बताइए 32 और 8 की बात कही, पहली बार 2013 में सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। किसको सबसे ज्यादा बहुमत मिला? भाजपा को। नैतिक अधिकार किसका था सरकार बनाने का? बीजेपी का। और आपने कांग्रेस से समर्थन लेकर सरकार बनाई और नैतिकता की बात कर रहे हैं? और मैं ये भी नहीं कहना चाहता, मतलब पर्सनल, वो तो कसम खाई थी कि हम शपथ नहीं लेंगे और लिखित में समर्थन मांगा था, लिख के कि हमें आपका समर्थन चाहिए। तो एक नहीं आने। और एक और मैं बात बता दूं, ये जब पार्टी आई थी तो एक होता था ना, मुझे चाहिए जन लोकपाल, वो टोपी ओपी दिखती है कहीं, अब टोपी जनता को पहना दी। अब सुनिए, दिल्ली में कहते थे अल्जीरिया अप्रूव नहीं कर रहा है, प्योर स्टेट नहीं है, ये क्या हुआ भाई? पंजाब में कहीं लोकपाल नहीं आया? बाकी छोड़िए, इनकी अपनी पार्टी में एक लोकपाल था,
एडमिरल रामदास ठेकाए दिए उनको जी, जवाब अपनी पार्टी का लोकपाल खत्म कर दिया। बाहर की तो बात छोड़िए, वो मुझे चाहिए जन लोकपाल की टोपी बेटा। आतिशी जी आपसे बार बार बोला कि दो पॉइंट्स पे, एक मेरा दो पॉइंट्स पे फैक्चुअली रॉन्ग है सुधांशु जी, एक सेकंड, दो पॉइंट्स पे फैक्चुअली रॉन्ग है सुधांशु जी। मनीष सिसोदिया जी के लॉकर में वास्तविक तौर में उनके बेटे का झुनझुना मिला था, आप सीबीआई के रिकॉर्ड। अरे भाई, अब ये दुनिया के इकलौते लोग होंगे जो लॉकर में झुनझुना रखते हैं। चांदी का झुनझुना था, मतलब उनकी माता जी ने उनके बेटे के पैदा होने पे दिया था, उनकी पत्नी ने लॉकर में रखा हुआ था। आप सीबीआई का रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, आपकी ही सीबीआई बोले। इसका मतलब सीबीआई के सूत्र जो ये कह रहे थे केजरीवाल जी, उन्होंने बता दिया होगा तो निकाल के सीबीआई के लिए झुंझुना रख दिया उन्होंने। दूसरी वरना कोई बच्चे का झुंझुना रखता है, और चांदी का झुंझुना इतनी बड़ी चीज नहीं होती। हमारे पास और कुछ रखने के लिए ही नहीं है तो हमने रख दिया जी। चांदी का झुंझुना आपके पास होंगे, सोने के बिस्कुट, करोड़ों के कैश, शेल कंपनीज के कागज, अब मनीष सिसोदिया जी के पास कुछ था ही नहीं तो रख दिया उनकी पत्नी ने। दूसरी बात बस फैक्चुअली करेक्ट कर रही हूँ, कांग्रेस ने समर्थन दिया था, हमने समर्थन मांगा नहीं था। पर लिया तो था ना आपने समर्थन, लिखित में मांगा था, ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। लिखित में मांगा था, पत्र भाजपा कांग्रेस दोनों को दिया था, लेकिन अभी दैट आई नो पर्सनली, आई एम हैविंग दैट लेटर आल्सो। आतिशी जी चलिए, तब लिखित में मांगा आपने दिया, लेकिन अभी तो आप बच्चे का झुंझुना खेलने के लिए होता है या लॉकर में रखने के लिए? अच्छा, हियर मी आउट, ऐसा झुंझुना दिखा रहे हैं। अब जब बच्चा 21 साल का हो जाए, ग्रेजुएशन कर ले, तो झुंझुना लॉकर में भी, लेकिन एक बात तो सत्य है कि तब आपने लिखित में समर्थन मांगा था, नहीं मांगा था, लेकिन अभी तो अलायंस है कांग्रेस के साथ। सुनिए, एक सेकंड सुनिए, चांदी के झुंझुने से ज्यादा कीमत आईफोन की होती है। 8-8 आईफोन चेंज कर दिए, वो तो नहीं रखे, और कह रहे चांदी का झुंझुना अंदर रखा था, गजब है भैया जी। 4 गुनी कीमत होती है आजकल के आईफोन की, जी जी, चांदी के झुंझुने से। चलिए, आईफोन झुंझुना सब आ गया, लेकिन आपने एक बात बोली कि हमने लिखित में नहीं मांगा, हमने मांगा नहीं था, समर्थन दे दिया था, लेकिन अब तो कांग्रेस के साथ आपका अलायंस है, अब तो लालू यादव के साथ भी आपका अलायंस है, मतलब इंडिया के अलायंस के अंदर आप पार्टनर है। लेकिन आपने बार बार बोला हम कानून का पालन करते हैं, कानून कानून कानून, तो ईडी का नोटिस आ चुका है, वो भी एक कानूनी एजेंसी है, उसके नोटिस का पालन क्यों नहीं हो रहा? ये एक सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण है, और सफाई से जवाब इसका। देखिए, मैं ये कहूँगी कि अगर किसी एक सरकार को और किसी एक पार्टी को अवार्ड मिल सकता ना, मोस्ट इन्वेस्टिगेटेड पार्टी, तो वो अवार्ड आम आदमी पार्टी को मिलता और दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को मिलता जी। आप देखिए, जैसे सुधांशु जी ने कहा, मात्र 10 साल पुरानी हमारी पार्टी है, 9 साल से हम दिल्ली की सरकार में है, कोई ऐसा विभाग नहीं बचा है पिछले 9 सालों में जिन्हें इनकी सरकार ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया। इन्होंने हमारे स्कूलों पे जांच कर ली, हमारी मोहल्ला क्लिनिक पे जांच कर ली, हमारे अस्पताल पे जांच कर ली, हमारे दिल्ली जल बोर्ड पे जांच कर ली, हमारी बिजली की व्यवस्था पे जांच कर ली, हर चीज पे जांच कर ली। 460 फाइलें 6 महीने तक इनकी सरकार आम आदमी पार्टी की रख के बैठी रही कि कहीं तो भ्रष्टाचार मिलेगा, कहीं तो भ्रष्टाचार मिलेगा। तो हमें ईमानदारी का सर्टिफिकेट इनकी सरकार ने शराब घोटाले में आपको जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। दूसरी चीज, अब आप सुन लीजिए जी, अब जो ट्रेंड चला है, अब आप अगला सवाल मुझसे ये पूछेंगे तो मैं पहले ही उसका जवाब दे देती हूँ कि अगर आप इनोसेंट हैं, अगर आप ईमानदार हैं, तो फिर मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को बेल क्यों नहीं मिल रही है? अगला सवाल आपका ये होगा। तो मैं आपको उसकी, आप अगर देखिए उसकी पूरी कहानी बताती हूँ। आपने कभी सोचा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने विपक्षी दलों पे सिर्फ पीएमएलए में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट, जो ईडी जिसके तहत अपने केस करती है, सिर्फ एक कानून में क्यों केस करते हैं? प्रिवेंशन ऑफ कहते हैं जी भ्रष्टाचारी हैं सब, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में क्यों नहीं करते? कहते हैं जी क्रिमिनल्स हैं सब, सीआरपीसी में क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते क्योंकि पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट, उसमें बेल, इस देश का एकमात्र कानून है जिसमें बेल मिलने का प्रावधान लगभग असंभव है। इसलिए आज पीएमएलए यूज नहीं होता नारकोटिक्स, टेररिज्म वगैरह के लिए, जिसके लिए यह बना था। आज पीएमएलए सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नेताओं को चुप करने के लिए यूज किया जाता है। का आरोप है, और प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में भी बोला था कि ईडी सबको इकट्ठा कर रही है। सोचिए कितनी मजेदार बात है कि मुलजिम कह रहा है कि सरकार मेरी मुलाजिम बन से पूछे, हुजूर नवाब आपको कौन सी धारा में बुक किया जाए ये आप मुझे बताएंगे, ये आप कहने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरा, मैं टेक्निकल बात बताता हूँ, अगर इनकी बात सही है तो एक्साइज पॉलिसी विथड्रॉ क्यों की?
इधर सीबीआई की जांच इनिशिएट हुई, इधर आपने शराब पॉलिसी विड्रॉ कर ली, आपने लैपटॉप क्यों नष्ट किए, आपने क्यों फोन्स नष्ट किए, क्यों? ईमेल अवेलेबल है, कंसर्न व्यक्ति को ड्राफ्ट किया है पॉलिसी का, उसने जो करेक्शन किए वो ईमेल से वापस आया है, ये पुख्ता सबूत है, और उसने जवाब दिया है बीच के व्यक्ति ने कि ये सब कुछ केजरीवाल जी की उपस्थिति में। वैसे मैं केजरीवाल जी की एक बात में तारीफ करूंगा, वो पढ़े लिखे होने की बहुत बात करते हैं ना, पढ़ा लिखा नेता होना चाहिए, केजरीवाल जी इस मामले में अद्भुत हैं, वो पढ़े हैं लिखे नहीं हैं, कोई विभाग अपने पास नहीं रखते, फाइल सारी पढ़ते हैं, साइन करवाएंगे सत्येंद्र जैन से, साइन करवाएंगे मनीष सिसोदिया से, फंसेगा वो जो लिखेगा, हम तो पढ़े और ऊपर से काम किए, लिखे हैं ही नहीं, तो ये पढ़ाई लिखाई भी इन्होंने बड़ी नाप तोल के की है। जी चलिए मैं अब इंडिया अलायंस के ऊपर आता हूँ, ये इंडिया अलायंस का क्या हो रहा है आतिशी जी, नीतीश जी छोड़ के चले गए हैं और ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं कर रही है, क्या कहना चाहती है? एक सपना देखा था पूरे ऑपोजिशन ने इंडिया अलायंस का, लेकिन वो सपना चकनाचूर हो गया है 2024 के चुनाव से पहले ही। देखिए मैं ये मानती हूँ कि जो नीतीश जी ने किया वो बिल्कुल गलत था। नीतीश जी बहुत बात करते थे, उन्होंने कहा था हम महंगाई के खिलाफ लड़ेंगे, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ेंगे, संविधान के लिए लड़ेंगे, संविधान को बचाने के लिए लड़ेंगे, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि बिहार में वास्तविक तौर पे नीतीश जी के भाजपा में जाने से भाजपा को ही नुकसान होगा, इंडिया अलायंस को नुकसान नहीं होगा। ममता जी के बाकी जो बाकी जो घटक दल है ये मैं मानती हूँ कि कुछ इनिशियल हिकअप्स हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है। बोलती है कि कांग्रेस की 40 सीटें भी नहीं आ सकती, कांग्रेस में अहंकार है, क्योंकि आप कांग्रेस से डील कर रही हैं, क्या आपको भी लगता है कांग्रेस में अहंकार है? देखिए हम इंडिया अलायंस के प्रति पूरी तरह से कमिटेड हैं, इंडिया अलायंस जरूर एक साथ आएगी, एक साथ रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराएगी, देश को महंगाई से भी बचाएगी, बेरोजगारी से भी बचाएगी और इस देश के संविधान को भी बचाएगी। जी सुधांशु, इन्होंने कहा बहुत बचाएंगे, अभी मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बहुत कांग्रेस के लोग कहते थे कि श्री राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त ठीक नहीं था, मैं कहना चाहता हूं ये राहुल गांधी जी की जो यात्रा निकली, जरा इसका मुहूर्त चेक करवा लीजिए, कौन से मुहूर्त में निकले हैं, ये जिधर जा रहे हैं उधर बर्बादी छाती चली जा रही है। ठीक है, एक सवाल, राहुल गांधी की यात्रा अगर एक मिनट पंजाब पहुंचे, सुनिए जी जी, इन्होंने कहा कि इसको बचाएंगे इसको बचाएंगे, तो मैं कहना चाहता हूं इंडी गठबंधन की अब हालत ये हो गई है कि अब बचाने के लिए कुछ बचा नहीं है, इनके लिए एक ही लाइन कही जा सकती है, अब जो चेहरे से ही जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, घर सजाने का तसव्वुर हुआ बात की बात, अब तो मुश्किल है कि घर की हकीकत को छुपाएं कैसे। तो क्या राहुल गांधी की यात्रा में अरविंद केजरीवाल जाएंगे आतिशी जी? सुधांशु, घर तो इनका भी बड़ा छुपाने लायक था इनके नेता का। बिल्कुल बिल्कुल सुधांशु जी, हम देश को बचाएंगे, हम संविधान को बचाएंगे, हम युवाओं को बेरोजगारी से बचाएंगे, महिलाओं को महंगाई से बचाएंगे, ये मैं आपसे वादा कर रही हूँ। भ्रष्टाचारियों अपराधियों को गले लगाकर देश को बचाएंगे। जी गले तो आप लगाते हैं, सुनिए शुभेंदु अधिकारी आपकी पार्टी में, हेमंत अभी तो गठबंधन बचा रहे हैं, अभी तो आपको इंडिया अलायंस बचा रहा है। माइकल नोट पे एक बात और कह दूं, खत्म हो गया, खत्म हो गया मेरा। देखिए आम आदमी पार्टी कहां से शुरू हुई थी और कहां पहुंच गई शराब घोटाले पे, तो एक लाइन कह देना चाहता हूं इनके लिए, इनके प्रति सहानुभूति रखते हुए, मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, पीता नहीं हूं पिलाई गई है, जिधर बेखुदी में कदम लड़खड़ाए वही राह मुझको दिखाई गई है, लालू जी के साथ खड़े हैं, मुलायम सिंह जी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और चलते चलते आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए, मतलब राहुल जी की यात्रा में अरविंद जी जाएंगे, हाँ या ना? कि हम कांग्रेस के साथ हैं, इंडिया अलायंस के सारे पार्टनर्स के साथ, यात्रा का नहीं बताएंगे और चुनाव हम साथ में लड़ेंगे, चलिए चुनाव जीतेंगे, चलिए देखते हैं आगे आगे देखें क्या है, कौन कब हो जाए। चलिए हम आपके हैं कौन तक बात आ गई और आयुष्मान खुराना भी यहां पर आ गए हैं, आपका आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में। तो यहाँ पे